So welcome friends, welcome to our channel Loose Travel. So मैं हूँ अभी Flywheel कार केयर नेरुल में. हम लोगों ने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरी हिमालयन में हम लोगों ने नैनोकोट किया था, राइट. सो आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद इट. सो Flywheel कार केयर के जो मालिक है गणेश, उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड ही इज़ गोइंग टू डू इट अगेन. सो यहाँ पे मेरी हिमालयन खड़ी है और वापस से डिटेलिंग हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे है. तो दोस्तों, ये है हिमालयन जिसको हम लोगों ने May 2018 में खरीदा था और उसी दिन उसको नैनोकोट कराया था. ये जो कोट था, ये था एस प्रो करके कंपनी है जिसका हम लोगों ने ये वहाँ से नैनोकोट लेकर के इसमें कोट कराया था. बट इस कोट का कुछ खास रिजल्ट नहीं आया था. तो जब भी मैंने गणेश से बात किया तो गणेश ने बोला कि मे बी देर इज सम प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट, सो ही हैज चेंज द प्रोडक्ट नाउ एंड ही इज गोइंग टू डू अगेन ऑन दिस. तो ये हम लोग होते हुए देखेंगे और बाद में वापस देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे इसका क्या इफेक्ट आता है. तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. इससे पहले का जो वीडियो था वो आपने देखा बिफोर डिटेलिंग. नाउ द बाइक हैज बीन वॉश, थोड़ा क्लीन हो गया है. जो डिटेलिंग का पार्ट था वो हो गया है. आप देख सकते हैं कि अभी बाइक एग्जैक्टली क्लीन दिख रही है. इसके बाद हम लोग इस पर कोट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसमें एग्जैक्टली क्या चेंज होता है. इसके पहले हम लोग गणेश से एक बार बात करेंगे और ट्राई करेंगे पूछते हैं उनको कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ और क्यों ऐसा हुआ. एंड वन गुड थिंग इज दैट ही इज रिकॉग्नाइजिंग दैट देयर इज अ फॉल्ट एंड ही इज इंप्रोवाइजिंग इट. तो बहुत सारा चीज ऐसा है कि आपको जब आप यहाँ पे आए और आप उनसे बात करिए तो शायद आपको एक अच्छा एडवाइस मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है. तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली उनसे बात करता हूँ. तो दोस्तों, मेरे साथ गणेश है. ये Flywheel कार केयर जो नेहरू में, कौन सा सेक्टर है ये? 27 सेक्टर 27 में है. तो ही इज वेरी लर्नड गाय एंड बहुत नॉलेजेबल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, स्पेशली जो कार का कोटिंग वगैरह रहता है उसके लिए. इन्होंने ही मेरा स्कॉर्पियो का भी कोटिंग किया था. तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं इसके साथ अगर हो गया तो साथ में अटैच करके डालता हूँ, नहीं तो उसको सेपरेटली डालूंगा. तो गणेश, जब हम लोगों ने मेन फर्स्ट टाइम व्हेन आई परचेस दिस बाइक यू डिड अ कोटिंग, यू सेड दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड. हम लोगों ने एस प्रो करके आपने पूरा दिखाया भी था. आई थिंक वो वीडियो भी आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसकी आप देख सकते हैं. सो वो वेयर वी वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया? एक्चुअली सर, हम लोगों ने जो एस प्रो का कोटिंग किया था वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एस प्रो ने प्रोवाइड किया हुआ था कोटिंग. आई डोंट नो क्या हुआ गाड़ी मोड में, लेकिन आपके गाड़ी में और मैंने और एक गाड़ी किया इसमें वो फेल हो गया. तो उसके बाद मैंने कोटिंग चेंज किया और आप एक जेन्युइन मतलब हो और आप एक आपको ये फील में बहुत कीड़ा था, मतलब उसको आपको डीपली जाने का आज है. आप ऐसे ही जस्ट वॉकिंग नहीं आई कि गणेश मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को वापस करके दिए. मैंने आपका दोनों गाड़ी में वापस कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को मालूम है कि ये बंदा नॉलेजेबल है और कुछ तो हुआ है इसके लिए ये बंदा निकल आया हुआ. इसके लिए मैं आपको आपका दोनों गाड़ी वापस कर रहा हूँ और मैंने इस टाइम पर कोटिंग पूरा टोटली चेंज किया हुआ है. और आपने जो पहले इनफील्ड का जो वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, उसके रेफरेंस तो ऑलमोस्ट 4 to 5 पीपल्स यहाँ पे आके करवा के गए, जिनका रिव्यूज मेरे को आज तक मिल रहा है कि गणेश बहुत अच्छा कोटिंग किया हुआ है. तो लेकिन उनका जो गाड़ी मैंने किया हुआ है उसमें मैंने कोटिंग जो है टोटली डिफरेंट यूज़ किया हुआ है, जो मैंने आपके बाइक पर यूज़ नहीं किया हुआ. तो जैसे ही मेरे को रिव्यूज अच्छा स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने वो एस्ट्रो का पूरा टोटल जो कोटिंग है वो मैंने फिर बंद कर दिया और फिर अभी जो प्रोडक्ट है वो मैं टोटली डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ और उसका मेरे को रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है और वही कोटिंग आई है आपके बाइक पर. तो आपके हिसाब से अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसमें थोड़ा बाइक और ज़्यादा शाइनी हो जाएगी और कोटिंग थोड़ा दिन तक टिकेगा सर? अभी हम लोग जो कोट करने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल मैट पे ज़्यादा अमाउंट में शाइन नहीं आएगा, लेकिन आपके स्कॉर्पियो पे 101% वो शाइन आ जाएगा. मैट पे उतना शाइन नहीं आएगा लेकिन उसका क्लियर 101% है. उसमें एक फायदा तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि गाड़ी के अंदर जो छोटे मोटे स्क्रैचेस जो आते हैं वो नहीं आएंगे, जो गाड़ी के अंदर डस्ट बैठती है वो शायद नहीं आएगा. पानी नहीं रुकेगा तो इसमें एक और ये फायदा हो जाएगा कि गाड़ी में जो
रस्टिंग का प्रॉब्लम होता है मुंबई के शहर में, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और एयर में भी थोड़ा सॉल्ट है, तो वो टायर हमारा गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा से ये पूरा प्रोटेक्टेड नहीं है, एक सम अमाउंट में और उससे प्रोटेक्टेड है और वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है, ऐसे भी कि हम लोगों को कोटिंग लगाया तो वो मोशन में रस्ट आएगा ही नहीं, उसका नहीं लेकिन वो रोक सकता है, रोक सकते हैं। तो मतलब अगर रस्टिंग का प्रोसेस एक साल का होगा तो वो डिले होकर के दो साल तीन साल हो जाए, कितना दिन ये कोटिंग? अभी जो सर मैं कोटिंग कर रहा था उसका ऑलमोस्ट मैं 4 to 5 years का वारंटी दे रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ वो फूड कंपनी मेरे को 10 years का दे रही है, लेकिन मैं 10 years का नहीं दे रहा हूँ, मैं 4 to 5 years का दे रहा हूँ। तो 4 to 5 years तक एक्टिविटी के अंदर वॉशिंग एंड एक्सेट्रा हैज़ टू बी डन इट योर प्लेस सो दैट उसके अंदर प्रॉपरली वॉश, बस सिर्फ 1 year के बाद उसके ऊपर एक टॉप कोट चढ़ा, बाकी आपको कुछ एक टॉप कोट वापस चढ़ाना है। ओके तो अच्छा है गणेश, तो देखते हैं हम लोग हिमालय में कैसा रिजल्ट आ रहा है, और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स अगर आप यहाँ से ये कराना चाहते हैं तो आप गणेश को कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका एक डिस्क्रिप्शन और इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो ऑफिस का एड्रेस और ये सब मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप इनको मेरा रेफरेंस दे करके भी यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर मुझे कुछ इनकी तरफ से कुछ कोड या कुछ मिला जिससे आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है तो वो भी मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी देखते हैं हम लोग हिमालयन में कैसे कोड होता है वो आपको दिखाते हैं और फिर बाद में फाइनल रिजल्ट आपको एक बार दिखाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं गणेश इज अप्लाइंग दैट नया वाला ग्लास कोड और यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो आपको शाइन दिखेगा एग्जैक्टली कितना ज़्यादा शाइन है। लास्ट टाइम दिस वाज लिटिल डिफरेंट, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो ये टैंक है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसमें ऑयल का ये किया हुआ है, पानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पहले के कोड और इसमें, आई एम अज्यूमिंग कि ये वाला थोड़ा सा जो है, इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ से भी लाइट का रिफ्लेक्शन फर्स्ट कोड पे ही कितना अच्छा दिख रहा है। सो एंड गणेश इज गोइंग टू डू एन अनदर कोड टुमारो मॉर्निंग और उसके बाद मुझे ये गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी। मैं आपको इसका एक फाइनल जो चेंजेस होने वाला है और क्या दिखने वाला है, कैसा दिखने वाला है वो मैं आपको वापस दिखाऊँगा। तो आइए थोड़ा सा इसको करने को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो हम लोग एक छोटा सा टाइम लैप्स लेते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या हो रहा है। So the final touch.